उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अभी जी हो चुकी है मॉर्निंग, तो नाश्ता वगैरह जी कर लिया है, तो दोपहर को ये बोल रहे हलवा पूरी खानी है, तो मैंने ना साथ में आलू बुआल होने के लिए रख दिए थे ये जी। मैंने बोला आलू बुआल हो जाएंगे ना, तो उसके बाद ये बना लेंगे, क्योंकि लकड़ियाँ पे आग जलानी बहुत ही मुश्किल है, जो आग बुझ जाएगी। तो मैंने बोला चलो आलू रख देते हैं उबाल होने के लिए। कल जी हम ये दरख्त काट रहे थे, तो हमने ना यहाँ पे देखा माखी का ना छज्जा लगा हुआ, तो हमने भाई अभी लेकर आया धुनी करके, तो अभी ना माखी का देखते हैं उसमें है, तो छोटी सी लेकिन पता है इसमें शायद होगा जो नहीं, लेकिन हमने बोला चलो निकाल के देख लेते हैं ना। हाँ ये रहा, ये रहा, सामने नजर आ रहा है, कैमरामैन पीछे हटने के लिए तैयार है। हाँ मैं बैकफुट में जा रहा हूँ, क्योंकि गोबर में धुआं नहीं है तो ये खतरा है इस वक्त। हाँ तो वो गोबर जलाओ सही तरह अच्छी तरह से। कहाँ है, नजर तो नहीं आ रही, गजब बेइज्जती है। आपको नजर आ रही लेकिन हमें नजर आ रही है, इनको धुआं लगेगा ना, इनकी आंखों में धुआं जाएगा। ये देखो प्लेट मैंने पकड़ी हुई है, उधर भी ध्यान रखो प्लेट पकड़ी हुई है। उड़ गई उड़ गई उड़ गई। हाँ अभी जी बन रही आलू की तरकारी, आलू तो मैंने सिलाई भी आलू होने के लिए रख दिए थे, अभी मैंने बोला ये बना लूं, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी भूख लग जाती है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अभी जी हो चुका है शाम की चाय का टाइम, तो मैंने चाय रख दी, हलवा पूरी बनाई थी मैं, तो मैंने बोला चाय भी रख दूँ साथ में, क्योंकि इनको चाहिए होती चाय, तो मैंने शक्करकंदी भी चूल्हे पर डाली हुई थी, मैंने बोला वो भी बन जाएगी, क्योंकि कोयले काफ़ी थे ना, उसको भी चेक कर लूँ, ये ना वो अंदर ही जल जाए, मुझे तो लग रहा है जल ही नहीं है मुझे तो। हाँ जल गया, ये जी बन गई है शक्करकंदियाँ, मैंने पहले एक डाली थी आपने, नहीं और भी डाली हुई है, निकाल लो ना पहले इनको, फिर आग जलाऊंगी, अगर आग जलाऊंगी तो वो सारी जल जाएगी ना। पता नहीं ये पकी है या नहीं, मैं निकाल दूंगी, पता नहीं कैसी लाल वाली है लेकिन पकी नहीं रही है, तो जैसी भी है इसको निकाल लेती हूँ अभी मैं, बाद में रख लेंगे। हाँ ना बाद में रख दूंगी इसको, बस दो है नहीं और भी काफी हैं, काफी हैं तो फिर कहाँ से पकेंगे, इतनी बड़ी बड़ी शक्करकंदियाँ आपने छोटे से चूल्हे में डाल दी सारी, कैसे डालते कैसे डालते, धुआं हो रहा है, धुआं खुल जा रहा है, ब्रेक ले लो। चाय की माली बन गई है और साथ में हमने बैठे बैठे यहीं पे शक्करकंदियां भी खा ली, एक मुझे कच्ची लग रही थी बाकी तो सारी पकी थी, मैंने बोला इसको दोबारा से डाल दे दो। जान चाय पिएगा? नहीं जान को नहीं, जान चाय पीता है क्या? खा रहे हो काला, कोयला भी खा रहे हो बेटा, कोयला नहीं काली हो रही है, ये है आपकी बाबा की चाय और ये है मम्मा की चाय, आपकी भी चाय पीनी। चाय वगैरह जी हमने पी ली है, तो अभी हम बनाएंगे तंदूरी चिकन, जिसको ही हम कर रहे हैं पहले से तैयारी, क्योंकि पता है आपको अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, हमने बोला टाइम से लग जाए खाने पीने के अलावा और हमें काम ही क्या है, तो पहले जी मैंने धो ली इस पे जी टक, ये कट लगा लेते हैं इस तरह से, टक या कट, कट टक जो भी है ऐसे। ये जी लगाए हैं मैंने कट, ये देखें इधर भी लगा लेते हैं, और इसको जी बनाएंगे हम तंदूर में, तंदूर में अभी हमने आग नहीं जलाई, पहले उसकी सफाई होगी, क्योंकि वहाँ पे कचरा वगैरह है ना,
बारिशों की वजह से तंदूर भी पहले बनाती थी जब भाभियां थी, लेकिन अब भाभियां नहीं है। देखिए तंदूर की हालत हमारे की ऐसी है, बाहर से भी देखे और अंदर से भी दिखाएं अंदर से कैसी इसकी हालत है, लेकिन अंदर से तंदूर साफ है। अभी जी मुर्गी को मैंने कट लगा लिए, तो अभी जी मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे जी 2-3 चम्मच दही के डाल लेंगे और जी इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डालना है या तिक्का मसाला डालना है? डाल लो चाट मसाला भी, डालो तो खटाई आ जाएगी। हाँ अरे लेमन नहीं है ना, नींबू, नींबू लाने पड़ेंगे, नींबू लाने पड़ेंगे। अंश भाग, दो नींबू लेके आओ भाग जल्दी से, क्यों शहर तो जाना नहीं पड़ेगा, अपने अपने खेतों में से ले आएंगे, लेकर आ जाएगा। मसाला चला गया गले में। ये जी आ गए नींबू, हैं तो मोटे मोटे लेकिन रस नहीं इसमें से निकलता। तीनों काट दूं? तीनों काट दूं, ज्यादा खट्टी हो जाएगी। आप बोले रस नहीं निकल रहा? नहीं रस तो है लेकिन मुझसे नहीं निकल रहा। अच्छा उनके जो ऊपर वाले छिलके ना वो बहुत सख्त है, देसी है ना ये। जैन आप जैकेट पहनो बेटा, ठंड हो रही है, शाम का टाइम हो रहा है ना, जल्दी करो फिर आग जलानी है। आग भी जलानी है, वहाँ पे सफाई भी करनी है। सफाई को छोड़ो, वहाँ से एक तरफ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, भले पड़ी रहे, हमें क्या, हमने मुर्गी बनाएंगे और आ जाएंगे। अभी जी मसाले लगा लेते हैं मुर्गी के ऊपर। अच्छी तरह मिक्स करो पहले दही में इसको, मसालों को मिक्स हो गए क्या? नहीं अच्छी तरह मिक्स करो सही से। हाँ और घुमाओ इसको, मिक्स करो मिक्स करो, अब लगाओ इसको। अभी मैं चारपाई के ऊपर चढ़ के बैठ गई हूँ, जाना नहीं पड़ रहा, हाथ से ही सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। इस तरह लगाऊँ ना कट में? हाँ कट के अंदर अंदर तक। इसको उल्टी करके टांगना है? इसको उल्टी सीधी जैसे भी टांग देंगे। कोयले बनाने पड़ेंगे पहले तो तंदूर में ना, वो बनाते हैं उसको मैरिनेशन भी तो करना है, रखना हाँ, भी तो है इसको, पहले मसाले वगैरह लगा के रखें। इतनी देर में कोयले बनेंगे इसको, 1 घंटा तो हो ही जाएगा। हाँ सही बात है, इतनी जल्दी तो कोयले भी नहीं बनेंगे। अब जी मसाला मैंने अच्छी तरह लगा लिया, ये देखें आप, इसको रख देते हैं मुर्गी को, अभी आग जलाते हैं, वहाँ से कोयले बनाते हैं, उसके बाद जी रखते हैं मुर्गी को। ये जी तंदूर में आग जला ली, अब ये लकड़ियाँ लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरह कोयले बन जाए ना। इसको तो छोड़ देते हैं ना, ये तो उसकी वो बनानी पड़ी है, पड़ी है। ये जी आग हमारी जल रही है लेकिन कम जल रही है ना, इसमें और भी लगाओ, ये लेकर आओ छिटियाँ जो पड़ी हुई हैं। ये नहीं लगाओ, क्यों? ये राख बन जाएगी। अच्छा ये काफी पुराना पड़ा हुआ है ना, कोई आग जलाता नहीं, बारिशों की वजह से बाहर से देखो कितना खराब हुआ पड़ा है। आग जल तो रही है लेकिन उसका ना दम घुटा हुआ है, दम खुल जाएगा इसका, सब्र करो, आग लग जाएगी। आप बहुत जल्दबाजी करती हो। नहीं जल्दबाजी कहाँ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। जब तक ना कोयले तैयार हो रहे मैंने बोला बिस्तर भी बिछा लूं, क्योंकि सर्दी हो रही है ना, बच्चों को ठंड लग रही है। आज जी मेरी ना सिस्टर भी आई हुई थी, वो भी चल गई, उनके भी 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, अब बच्चे भी उदास हो गए, अभी आराम से लेट गए। वैसे उन्हें उनके साथ ना शैतानियों में लगे हुए थे, तो उनकी उसकी भी तबीयत सही नहीं थी, उसको फिर हम ले गए, उनके ससुराल वाले आए थे वो ले गए, तो अभी सिर्फ मैं ही बची हूँ यहाँ पे। पहले मेरी देवरानी आई थी वो भी चली गई। साथ में जी कोयले बन रहे, तो मैंने बोला फारिक क्यों बैठना है, मैं रोटी इतनी देर में बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इनको भूख भी लगी, फिर ये देर नहीं करेंगे, बोलेंगे जल्दी से बस लेकर आ जाओ, तो मैंने रायता भी बना के रख लिया, तो अभी मैंने रोटी भी बना रही हूँ। कुछ तो रोटियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि सिस्टर भी वो भी चली गई, तो रोटियाँ भी थोड़ी सी बनेगी। एक भाई है, 2 हम हैं और 2 हमारे बच्चे, बस हम 5 रह गए, तो रोटियाँ थोड़ी बनी, मैंने बोला रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि ये चिकन ही खाएंगे, मुर्गी खाएंगे, रोटियाँ तो इतनी खाएंगे नहीं। मानुर की भी टांग में दर्द हो रहा था, मैं उसे बिस्तर में बिछा के ना, तो उसे भी लटा के मैंने बोला आप लेट जाओ। अभी पता है सिस्टर के बच्चे आए थे ना, उनके साथ खेल रहे थे, अभी वो चले गए, तो उनके बगैर ना उदास हो गए, तो अभी इसको जी हल्का हल्का मैंने बोला मुर्गी को ऑयल भी लगा देते हैं, क्योंकि एक दफ़ा तंदूर में चली जाएगी दोबारा निकालनी तो नहीं है, बनेगी तो फिर ही निकालनी है, तो मैंने बोला इसको ना ऑयल लगा देती हूँ।
चम्मच के ऊपर लगाया था कपड़ा, लेकिन कपड़ा खुल गया चम्मच के, फिर मैंने बोला हाथ से ही लगा लेती हूँ। तो अभी जी तंदूर भी हमारा तैयार है, कोयले जी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब जी मुर्गी जा रही है तंदूर में। अभी सही, अभी इसके ऊपर ये वाली भी नहीं, साइडों पे लगा देंगे मिट्टी। अभी जी साइडों पे लगा देते हैं मिट्टी। कपड़ा ले लो कोई, कपड़ा लेकर ये भी गर्म हो रहा है, कपड़ा हाँ। गिरा दो कपड़े से, एक तरह से पकड़ो इसको। अभी जी इसकी साइडें कवर हो रही हैं, ये भी बहुत गर्म हो रहा है ना जो ऊपर दिया हुआ कढ़ाया, बस हल्के हल्के लगा दो फिर बाद में सेट कर लेंगे। वैसे भी कोयले बहुत हैं वहाँ अंदर, तो कोयले ऐसे ही। अब हल्के हल्के लगा दो बस, मुर्गी पैसी बनेगी दम दमा दम। यहाँ तो बिल्कुल दम दमा बंद कर देना बस का, है ना, कुछ तो बनेगा मुर्गी का। मुर्गी की हमने चरण पूंडियाँ निकाल देनी है, लग मुझे ऐसे रहा है। हाँ ना, बस हल्के हल्के लगाओ बस, खैर है कोई हल्का फुल्का धुआं निकलता रहे कोई मसला नहीं है। इस साइड पे भी लगा दो ना पिछली तरफ, वो भी सही तरह बंद हो जाए ना अच्छी तरह। लगा दो अंदर मत फेंक देना मिट्टी। नहीं अंदर नहीं फेंकना। चिकन कोदी पकते हुए 35 मिनट हो गए, तो अभी हम ना खोल के देख लेते हैं, ये ना हो कोयला का बन जाए। तो हम पहले ना इसको खोल के देखते हैं, अगर कच्ची होगी तो दोबारा रख देंगे। ढक्कन पे रखो कपड़ा, ताकि ढक्कन हिले नहीं। मैंने बोला मिट्टी हटा लूँ ना, तो गीली मिट्टी है ना तो अंदर चली जाएगी, वैसे तो धुएं निकल रहे हैं ये देखें। हाँ तभी तो कह रहा हूँ इसको हटा लो ताकि पता लग जाए। माशाल्लाह जी मुर्गी हमारी देखिए कितनी प्यारी बनी है ये देखें। तकरीबन हमने इसको 35 मिनट रखा था, लेकिन मुर्गी हमारी पक्के आधी, ये वाला हिस्सा तो नीचे गिर गया था, लेकिन अभी अभी गिरा था। हाँ अभी अभी गिरा था, लेकिन हमने सही टाइम पे ना देख लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी, खुशबू भी बहुत ही प्यारी लग रही है। लेकिन हम जल्दी से लगाते खाना, भाई का इंतजार हो रहा है, भाई भी आ जाए, क्योंकि भाई गए थे मोटर चलाने जरूर, क्योंकि लाइट चली जाएगी ना तो मैं मोटर चला के आ जाऊँ, तो भाई आ जाए तो अब जल्दी से खाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत है। भाई ने जी बोला आप खाना खाए मैं आ रहा हूँ, तो हम बैठे हुए भाई के इंतजार में, हमें बोला आ जाए भाई तो उसके बाद खाना खाते हैं। तो मैंने रायता प्लेटें मुर्गी पानी सब कुछ रोटियां सब कुछ ला के ना रख लिया है, तो बस भाई का इंतजार हो जाए, वो आ जाए तो खाना खा ले। खाना वगैरह जी खा लिया है, तो अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। मैंने बोला चाय पी लेते हैं ऊपर से, क्योंकि सर्दी भी बहुत थी। भाई तो बोल रहे थे मैं ना बोतल लेकर आ जाती हूँ, लेकिन हमने बोला नहीं गले ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमने चिकन भी काफ़ी ज़्यादा खा लिया है, तो अल्लाह पाक हमें हज़म करे रात को, क्योंकि हमें मेरे तो पहले ही ज़्यादा खा लिया, सीने में दर्द होनी शुरू हो गई है यहाँ पे। तो अभी मैंने बोला ऊपर से गर्म गर्म चाय पियेंगे ना तो सही हो जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, लाइट हमारी चली गई है, अंधेरा हो चुका है। हाँ ना अंधेरे में भी, तो माशाल्लाह चांद देखे कितना प्यारा नजर आ रहा है। हाँ, सामने चांद की रोशनी, तारे भी नजर आ रहे हैं। हाँ तारे भी चांद भी, खुली जगह है ना, खुली जगह में तो पता है आपको कितनी अच्छी नजर आते हैं। तो जी आज का व्लॉग जी करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को जल्दी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।